बिजनेस आइडियाज। कर भरोसा तू खुद पर, धोखा कभी न खाएगा, हर मौके पर कामयाबी सबसे पहले पाएगा, और आपकी कामयाबी के पहले पायदान तक पहुंचने वाले रास्ते को और आसान करने के लिए हमेशा की तरह शिल्पा भावना आ गई है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, लेकर आपका चहेता प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। किसी भी व्यवसायी को आगे बढ़ने के लिए दो सपोर्ट पिलर्स चाहिए होते हैं, एक उसका अपना जुनून और दूसरा सरकार से मिली सहायता। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस के उपलक्ष में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया स्टैंड अप इंडिया। लेकिन क्या वाकई स्टैंड अप इंडिया हमारे भारत को अपने पांव पर खड़ा कर सकता है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज वेलकम द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्लीज आइए। सुनील जी, अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने बात की थी स्टार्टअप इंडिया के बारे में, और अब एक नया जुमला आया है स्टैंडअप इंडिया। तो ये क्या कुछ नए नाम आते जा रहे हैं पुराने नामों की मार्केटिंग करके, या वाकई इनमें कुछ अलग है? क्योंकि जब हमने स्टार्टअप इंडिया के बारे में बात की थी, वी एक्चुअली रियलाइज कि वो पिछली चल रही स्कीम से या पिछली चल रही सुविधाओं से कुछ अलग है। स्टैंडअप इंडिया में क्या है? स्टैंडअप इंडिया बहुत अच्छी स्कीम है जो लॉन्च की है। हमारे देश में लगभग 20 करोड़ SC हैं जी, और अगर हम महिलाओं की संख्या देखें तो महिला एंटरप्रेन्योर हमारे देश में सबसे कम है। उसके लिए यदि ग्लोबल एक संस्था है जिसका नाम है ग्लोबल एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जी, उसके सर्वे के मुताबिक हम लोग 70वें नंबर पे हैं, 70 नंबर पे हैं। US नंबर एक पे है, हम 70वें नंबर पे हैं, और 77 कंट्री का कुछ सर्वे हुआ है जिसमें पाकिस्तान 77वें नंबर पे। तो एक हिसाब से देखा जाए तो हम तो आखिर में ही हैं। आखिर में ही हैं। इसका मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर हमारे देश में कम है, बिल्कुल, और आधी जनसंख्या वुमेन की है जी, और 20 करोड़ SC जिसमें एंटरप्रेन्योर बहुत कम है। क्योंकि अभी तक क्या हुआ कि जो हमारे SC भाई थे नौकरी की तरफ देखते रहे, क्योंकि इनके लिए एक रिजर्वेशन था जी, तो ये नौकरी ढूंढने में लगे रहते हैं, इतनी नौकरियां है ही नहीं जी। उसी वजह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जी। स्कीम लॉन्च की जिसका नाम रखा है स्टैंड अप इंडिया। ओके। जो स्कीम खास तौर पे SC भाइयों के लिए है और विमेन के लिए है, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहे, जिससे कि वो जो लोग अभी तक जॉब ढूंढते थे जी, जॉब पाने के लिए घूमते थे, वो जॉब देने वाले बन जाए, जॉब गिवर हो जाएंगे, जॉब सीकर से जॉब गिवर हो जाएं। जी। क्योंकि यदि एक व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर बनता है और एक एंटरप्राइज लगाता है तो वो एक साथ 2, 4, 5, 10 या 20 लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है। बिल्कुल। तो वो जो हमारे पास अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो तभी उन्हें नौकरियां भी मिलेंगी जबकि वो उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। तो एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए स्कीम है जिसका नाम स्टैंड अप इंडिया रखा है, जैसे नाम से है कि ये लोग भी अपने पैरों पे खड़े हों, अपने एंटरप्राइज बनाएं, एंटरप्रेन्योर बने जी, और खुद को भी काम पे लगाएं और साथ में बाकी लोगों को भी नौकरी दें जी। यहाँ पे सुनील जी आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्यों ये जरूरत है, कि हमें क्यों ये कहना पड़ रहा है कि स्टैंड अप इंडिया? इसलिए कहना पड़ रहा है कि जो हमारे SC भाई हैं और जो हमारी महिलाएं हैं, इनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं है, क्योंकि उनको लोन देने वाला कोई नहीं है, इनको ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत सबके सामने आती है। इनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत मुश्किल से होती है, इन्हें पता ही नहीं मार्केटिंग के लिए कहाँ जाना है। तो इसीलिए एक स्कीम निकाली गई स्टैंड अप इंडिया जी, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भाई और बहुत सारी महिलाएं हैं, अगर हम देखें तो हमारी जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को वो लोग बिलोंग करते बड़े हैं, हिस्से को बिलोंग तो इसीलिए जरूरी है कि वो भी अपने पांव पे खड़े हों। आज हमने इसीलिए अपने साथ एक ऐसी मेहमान को बुलाया है जो कि इस SC वर्ग से बिलोंग भी करती है, बट साथ में वो खुद एक महिला है और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, तो उन्हें अपने साथ शुमार कर लेते हैं। दोस्तों, आज की हमारी जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आ रही हैं, आप न केवल एक महिला व्यवसायी हैं बल्कि आप समाज के एक कमज़ोर वर्ग से आती हैं, लेकिन आपने अपनी कड़ी मेहनत से ये साबित किया है कि आपके इरादे कमज़ोर नहीं, बेहद मजबूत हैं। शी इज़ द हेड ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर दलित इंडियंस चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। प्लीज़ वेलकम श्रीमती मुनमुन बिस्वास। नमस्कार जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। प्लीज, तो मुनमुन जी,
आपसे जो हमारी वार्ता शुरू हो, तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये जान लिया जाए, हमारे दर्शकों को बताया जाए कि आप एक्चुअली क्या काम कर रहे हैं, आप किस चीज़ के एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल में आगे हैं। मेरी बेसिक एजुकेशन, मेरी स्कूलिंग प्लस मेरी कॉलेज यहीं से हुई है, डीयू से हुई है। जी जी, डीयू से ही हुई है। उसके पश्चात मुझे कलकत्ता जाना पड़ा मेरे फैमिली के साथ, और मास्टर्स करने के बाद बात आ जाती है कि करियर में अब कहाँ जाना है। तो उसमें हमारे सामने दो रास्ते थे, एक शासन का और एक प्रशासन का। जी। लेकिन मेरा रुझान था कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए करूँ, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप मेरे माइंड में ऑलवेज था कि मैं डायरेक्ट लोगों के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, जिसमें मैं डायरेक्ट लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकूं। फिर मैंने जो अपना कंपनी से जो मैंने स्टार्ट किया वो एक ऑनलाइन मार्केटिंग का है, दैट इज़ इन नेम ऑफ इंडीलूम। ओके, सो इन दैट द कॉन्सेप्ट इज ऑफ मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स एज वेल एज जितना भी हमारे क्राफ्ट्स हैं ऑल ओवर स्टेट, नॉट ओनली ऑफ झारखंड और नॉट ओनली ऑफ बंगाल, फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू फ्रॉम साउथ, सारे स्टेट में जितने भी क्राफ्ट्स हैं उन सब को लेके उन सब का एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ से हम उसको सेल कर सके थ्रू ऑनलाइन एज वेल एज रिटेल इन ब्रांड ऑफ इंडीलूम। जब हम ऐसी भाइयों की बात करते हैं या जब हम महिलाओं की बात करते हैं, उन्हें लोन मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मोदी साहब ने कुछ कहा है, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 15 अगस्त को लाल किले से घोषणा की थी कि भारत की हर बैंक की ब्रांच अपने क्षेत्र में एक दलित को, और अगर वहां दलित बस्ती नहीं है तो आदिवासी को और एक महिला को बैंक की तरफ से लोन देंगे। तो आपको लगता है कि अब स्टैंड अप इंडिया से वो जिस चुनौती की हम बात कर रहे हैं कि लोन नहीं मिलता, वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात इस योजना में ये है कि जितने भी हमारे बैंक्स हैं उन सबके ब्रांचेस पूरे देश में फैली हुई हैं, तो वो ब्रांचेस आइडेंटिफाई की गई हैं। लगभग 225,000 कमर्शियल शेड्यूल बैंक की ब्रांचेस हमारे देश में हैं, क्योंकि निसंदेह अलग अलग क्षेत्रों में है। बिल्कुल। तो हर ब्रांच को दो आदमी आइडेंटिफाई करने हैं कि उन्होंने पहले कोशिश करनी है कि पहले वो एससी हो, अगर उस क्षेत्र में एससी नहीं मिलते तो ट्राइबल हो, और एक महिला, इन दोनों को अपना नया उद्योग धंधा चालू करने के लिए लोन देना है जी। और वो लोन भी 1 करोड़ तक का है। अभी तक जितनी भी स्कीम थी जी, जो पहले एससी एसटी एंटरप्रेन्योर के लिए जो स्कीम थी जी, जो हमारे नेशनल कमीशन बने हुए हैं जी, और जो अपनी चैनलाइजिंग एजेंसी के थ्रू लोन बांटते हैं जी, उन लोन में जो टोटल लोन का अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है। या प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है हमारा, उसमें भी लोन अमाउंट कम है। इसमें लोन अमाउंट 1 करोड़ रखा हुआ है, जिससे कि वो एक अच्छा उद्योग धंधा चालू कर सकें और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी अपने उद्योग धंधा में लगा सकें। अब बैंकर को, मैनेजर को खुद जाके आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे मुझे किसे लोन देना है। बैंक आपके घर पे, आपके घर के पास आएगा। तो जो मेन फाइनेंस की प्रॉब्लम थी जो हमारे एससी भाइयों को और महिलाओं को, खास तौर पे इन दोनों को लोन नहीं मिलता था, क्योंकि ना तो इनके पास कोई कॉलेटरल सिक्योरिटी होती थी जी, ना इनके पास कोई सपोर्ट होती थी, तो इन दोनों कारणों से इनको लोन नहीं मिलता था। इस स्कीम में इन्हीं दोनों को सिर्फ लोन मिलेगा जी, उन्हीं को फोकस किया गया, उन्हीं को फोकस किया गया। इसीलिए ये स्कीम जो है आज तक देश में जितनी भी स्कीम थी उनसे नई है और इनोवेटिव है। तो ये कोई नया जुमला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुनमुन जी, क्या आपने कभी इस तरह की किसी स्कीम का लाभ लिया है? बिल्कुल बिल्कुल, एक IFCI वेंचर कैपिटल होता है जी, जी। तो वहां से मैंने 1.55 करोड़ का लोन लिया टू ग्रो माई बिजनेस। इसमें मैंने एक डिजिटल प्रिंटिंग यूनिट का सेटअप लगाया है। ओके। मेरे IFCI के इस लोन के बावजूद मैं बहुत ही शीघ्र एक और लोन के लिए करने वाली हूँ। जी। 3 चीज़ों को हम ध्यान रख रहे हैं स्टैंड अप इंडिया में जी। एक ये ट्रेडिंग के लिए भी लोन दे रही है, जो इसको बहुत अलग करता है किसी भी दूसरे सेक्टर से जी। अब तक जितने भी हमारे स्कीम्स चले हैं वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग पे ही
ज़्यादा एम्फेसाइज किया है उन्होंने, लेकिन ये सर्विस और ये जो ट्रेडिंग को ये लोग मान्यता दे रहे हैं ये एक बहुत बड़ी बात है, जिसमें हमारे जो ये ऑनलाइन पोर्टल्स ये जो जितने भी आजकल हमारे खुल सकते हैं जिसमें महिलाओं का योगदान सबसे ज्यादा आ सकता है, और ये बहुत इजी भी है, बिल्कुल घर बैठे, बिल्कुल वो घर बैठे इस चीज को वो लाभ ले सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। मान लीजिए अब महिलाएं किचन को छोड़ के मॉडर्न इंडिया डेज में वो चाहे पापड़ से बोलिए, चाहे किचन का ही किसी चीज से बोलिए, या ड्रेस बोलिए, या कुछ कढ़ाई का बोलिए, वो कुछ किसी भी चीज का बिजनेस स्मॉल स्केल या बिगर उस इंडस्ट्री के उसमें कर सकती हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा है स्टैंड अप इंडिया का। अब स्टैंड अप इंडिया में इसका मतलब जितनी भी अब सुविधाएं अब लोगों को मिलने वाली है, खासतौर पे जो हमारे एससी भाई हैं और जो हमारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आगे आना चाहती हैं, उनके लिए आयाम बहुत सारे खुले हैं। आपने जिक्र किया था कि जब हम लोग दलित भाइयों की बात करते हैं तो ज़्यादातर सबके जहन में यही आता है जो आपने कहा शासन या प्रशासन, यही आता है। हमने बात की थी, हमारे सामने भी कुछ ऐसा आया लेकिन कुछ और भी निकल के आया, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। प्लीज़ हैव अ लुक। इतने सारे एससी एसटीज जब जॉब में ही चले जाते हैं, वो उनमें कैपेबिलिटी होती है बिजनेस करने की, बट दे आर नॉट गोइंग दैट साइड बिकॉज दे आर गेटिंग रिजर्वेशन। वो उस तरफ सोचते ही नहीं हैं, उनके पूरे वो सोचते ही नहीं हैं, जबकि वो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी अपने इंडियन सोशल सिस्टम में एक बड़ा हिस्सा है, और ये लोगों को जैसे एससी एसटी हुए उनको थोड़ा रिजर्वेशन के वजह से नौकरियों में फ़ायदा हुआ है, बट बिजनेस में ये लोग अभी भी बहुत कम संख्या में हैं, तो इनको बिजनेस में आना ज़रूरी है। अगर वो आएंगे तो मेन स्ट्रीम जो है अपनी सोसाइटी की उसमें ये जुड़ जाएंगे, और बिजनेस में भी ये तरक्की करेंगे, टैलेंट तो इनके पास भी होगा, लेकिन ये आगे नहीं आ पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। मेरा नाम सुसंत महाराणा है, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मेरे पापा कारपेंटर का काम करते हैं और मुझे भी बिजनेस करना है, और मैं थोड़ा गरीब घर का हूँ और मुझे पता नहीं कैसे करते इस काम को, बिजनेस को कैसे करते, और सरकार से हेल्प होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझसे बिजनेस करना चाहते हैं बट देर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन जिसकी हम बात करें। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही निधि ने पहले जी, कि जो एससी भाई हैं उनके अंदर बहुत क्षमताएं हैं, लेकिन क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से उनका ध्यान सिर्फ नौकरी में रह जाता है। दूसरी बात जो राजेंद्र जी ने कही बहुत अच्छी कही, टोटल जनसंख्या में इनकी जो हमारे एससी भाई हैं वो भी एक अच्छी खासी संख्या में हैं। जब तक वो मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, जब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल। और वो भाई जिनके अंदर क्षमताएं भी हैं वो क्यों ना आगे आए, तो उनके लिए पहले कोई स्कीम थी बहुत सारी, जैसे मैं बता रहा हूँ नेशनल कमीशन है जी। लेकिन उनमें लोन अमाउंट बहुत कम है, उनमें गारंटी देनी पड़ती है, जो स्कीम ड्राफ्टेड है वो इतनी पुरानी ड्राफ्टेड है, उनमें हमारे ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने उन स्कीम को ड्राफ्टिंग में इतना खराब कर दिया गया है कि उसमें जो सचमुच जिन्हें लोन चाहिए उन्हें लोन नहीं मिलता, उन्हें लोन अप्लाई भी करने चाहेंगे तो इतना टीडियस जॉब है कि वो कर नहीं सकते हैं, और उसमें लोन ब्रोकर के थ्रू करना पड़ता है, उसमें सैकड़ों तरह की समस्याएं हैं। तो अब जो स्कीम बन रही है, अब स्कीम बिल्कुल अलग बन रही है, इनोवेटिव बन रही है, इस आइडिया के साथ बन रही है कि हमने एससी भाइयों को एंटरप्रेन्योर बनाना है, हमने महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाना है। बिल्कुल। और आज के सिनेरियो को देखते हुए लोन अमाउंट का क्वांटम रखा गया। जैसे तीसरे सज्जन थे, उन्होंने बोला कि जी मैं ऐसे बिलोंग करता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, इन्हीं के लिए स्कीम है, मैंने बताना चाहूंगा। तुरंत आपका प्रोग्राम देख के तुरंत जाना चाहिए बैंक के पास, नियरेस्ट ब्रांच के पास, बोलना चाहिए मैं ये उद्योग करना चाहता हूँ, या मैं ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, या ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, या सर्विस इंडस्ट्री लगाना चाहता हूँ, और मेरे को लोन चाहिए। कितना लोन चाहिए, पूरी स्कीम लेके जाना चाहिए। और पूरी स्कीम इनके पास नहीं है तो इसके लिए एक दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स है जी। वो उनकी मदद करता है, उनको बताता है कि कैसे प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे कंप्लीट चीजें करनी है, वो भी उनकी मदद करता है जी। तो हम इस डिक्की के बारे में जरूर बात करेंगे और आप भी उससे जुड़ी हुई हैं, तो खासा तौर पे हम इलाबोरेट करेंगे इसको, बट फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से स्टैंड अप इंडिया की इन स्कीम्स का आप फायदा उठा सकते हैं। स्टे ट्यून्ड। Hey, what's up? This is Hardcore. Oh, yeah. And you are watching me on Big Business Ideas. Like this. Only on Zee Business. Gotta move ya, gotta move ya. Look after your business. Your body, baby. Move your body, baby.
अच्छा किया बबलू जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए। तुम होते हो तो मुझे सिया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। मम्मा मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ हाँ। मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझ कर भरोसा करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैब फॉक्स और हम लोग आज बात कर रहे हैं स्टैंड अप इंडिया के बारे में, जो कि आज हमारे देश के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करेगी। वाकई आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ दिखाना चाहेंगे। मैं काफ़ी टाइम से मेकअप का काम करता हूँ और मैं अपना स्टूडियो खोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं पैसे कहाँ से लेके आऊँ। सर मेरे पास बिजनेस आइडिया बहुत तगड़ा है, पर क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आता। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आई थिंक ऐसा होना चाहिए कि आप इंडस्ट्री पर फोकस करें और उसके हिसाब से सेमिनार ऑर्गेनाइज करें और सबको इन्फॉर्म करें। एमएसएमई इंडस्ट्री जो डालता है उनको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं रहता कि भाई हमको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, कितना मिलेगा और हम क्या करें तो हमको ये फाइनेंस जैसे प्रॉपर चैनल थ्रू मिले। तो ये एक दिक्कत हर किसी के सामने आ सकती है जब एक दलित आगे बढ़ते हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। तो क्या उनके लिए कुछ ऐसे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज हो सकते हैं या ऐसा कोई एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है जहां से उन्हें पता चल सके कि अगर मुझे लोन लेना है तो मुझे ये करना है और अपनी इंडस्ट्री को एक्सेल करना है तो ये करना है, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल ऐसा है। अच्छा। क्योंकि आप देखिए जितनी भी हमारी इंडस्ट्री लगती है सबके चैम्बर्स बने हुए हैं, जैसे एसोचैम है वो सारी इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, सीआईआई है वो सारी इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो सारी इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। इसी प्रकार से एक दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो कि दलित भाइयों को, जो भी हमारे एससी भाई हैं जब भी वो इंडस्ट्री लगाते हैं तो उनको पूरी मदद करता है, उनको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उनको कैसे प्रोजेक्ट पेश करना है, उन्हें फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, उनकी मार्केटिंग नीड्स क्या है, मार्केटिंग नीड कैसे पूरी हो सकती है। और साथ ही सरकार भी हमारी बहुत सारी सेमिनार करती रहती है साथ में, और हमारे इसके लिए इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जैसे निस्बुड है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो कि इस चीज के लिए अवेयरनेस के लिए कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और साथ में ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, तो उन्हें ट्रेन भी किया जाता है। ट्रेन भी किया जाता है और जो स्टैंड अप इंडिया है, इस स्टैंड अप इंडिया में उनको ट्रेन भी किया जाएगा, उनको फाइनेंस भी दिलवाया जाएगा जैसे मैंने बताया, और उनकी मार्केटिंग का भी ख्याल रखा जाएगा कि कैसे वो मार्केट करेंगे। तो हर दिक्कत जो उन्हें एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आ सकती है उसे पूरा किया जाएगा। पैकेज है। हाँ, बिल्कुल। और जो दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ये बहुत तेजी से उभर के आगे आ रहा है, इसके मेंबर्स भी बढ़ते जा रहे हैं और ये हमारे एससी भाइयों की बहुत मदद कर रहा है जैसे सारे चैम्बर करते हैं। मुनमुन जी, आप भी इस दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़ी हुई है, पूरे वेस्ट बंगाल को आप हेड करती है, तो हमें बताइए किस तरह से ये डिक्की प्रैक्टिकली काम करता है। ये स्टैंड अप इंडिया का जो ये प्रोग्राम है इसमें डीआईसीसीआई दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक पार्टनर के रूप में काम कर रहा है जी। ये सिडबी, नाबार्ड और दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आप बोल सकते हैं ये सभी मिलके इस चीज़ को दूर दूर तक फैला रहे हैं, हमारे गाँव में, हमारे इंटरनल डिफरेंट रीजन्स पार्ट्स में फैला रहे हैं। प्रोग्राम भी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल में जा रहे हैं। ये स्टैंड अप इंडिया में हमारा डीपीआर से लेके हम अगर क्या बिजनेस करना चाहते हैं उसका भी आइडेंटिफिकेशन का प्लानिंग है। ओके, सो वो आपका स्किल को भी पहचानते हैं इसमें। हाँ। आपके एकदम शुरुआत से आप क्या करना चाहते हैं एज अ एंटरप्रेन्योर, आपका रुझान किस तरफ है आपसे वो पहले जानेंगे, उसके बाद आपके स्किल को पहचानने के बाद आपके पास कितनी क्षमता है, कितना फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, क्या फाइनेंसेस आपको चाहिए, किस तरीके से आपको डीपीआर अपना तैयार करना है जी, पूरा हैंड होल्डिंग प्लस आप टैक्सेस किस तरीके से कर रहे हैं, टैक्सेस में आप लोगों को नॉलेज है कि नहीं है, वो पूरा का पूरा एक कंपोजिट हैंड होल्डिंग ये स्टैंड अप इंडिया दे रहा है। राइट। सुनील जी, जब इस तरह के चैम्बर्स कुछ सामने आते हैं जो कि हमारे जो व्यवसायी हैं उनको हर तरह की नॉलेज देते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, साथ में उन्हें टैक्सेशन के बारे में भी अवेयरनेस दी जाती है, तो इस टैक्सेशन में क्या कुछ उन्हें रियायत भी दी जाती है? नहीं, रियायत तो अलग अलग स्कीम गवर्नमेंट टाइम टू टाइम निकालती रहती है। okay. जैसे स्टार्टअप इंडिया की स्कीम हुई तो उसमें उनको रियायत थी। देखिए, गवर्नमेंट जो स्कीम बनाती है गवर्नमेंट तय करती है कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे जी। यदि टैक्सेशन के बेनिफिट आपको दे रहे हैं तो उसका बजट में प्रोविजन करना पड़ता है। हाँ।
और वो जो प्रोविजन होते हैं उसके बाद आपको जो हमारे चैम्बर्स होते हैं ये किसी तरह की छूट को तय नहीं कर सकते कि क्या छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सिर्फ लॉ को बता सकते हैं कि हमारे देश के कानून के मुताबिक आपको कितना टैक्स किस मद में और किस समय पे देना है जी। और ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये नॉलेज नहीं हो पाती है तो उस वजह से उन्हें काम करने में दिक्कत आ सकती है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ये टैक्सेशन, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत, इन सब का आपको नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल, ये होना बहुत जरूरी है। अगर हम स्टैंड अप इंडिया की बात करें, अगर कोई व्यक्ति इस स्कीम का लाभ उठाना चाहता है तो सबसे पहले तो वो ये जानना चाहेगा कि लाभ क्या क्या है। तो वो हम चाहेंगे कि आप उस पर रोशनी जरूर डालें। ये पहली स्कीम है जिसमें कि जो लोन आपको मिल रहा है जो 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन है, वो लोन में आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने क्या किया इस स्कीम में कि इसमें सिडबी को 10,000 करोड़ से एक फंड बनाया गया है जो कि इसको जो भी रीफाइनेंस का काम करेगा, जो भी ब्रांचेस हमारे को लोन देंगी तो वो जो लोन देगी उसको रीफाइनेंस के लिए वो सिडबी से बैंक मदद ले सकते हैं। वो 10,000 करोड़ के कॉर्पस से बनाई गई है। Very nice. साथ में ही 5,000 करोड़ से नेशनल क्रेडिट गारंटी कंपनी बनाई है मिनिस्ट्री ने, जो कि आपको जो भी बैंक उनको फाइनेंस करेगा उनको गारंटी देगी। तो एक तरह से ये जो योजना है ये सिडबी नाबार्ड के सहयोग से पूरी लॉन्च हो रही है। इस स्कीम में पहली बार ऐसा भी प्रोविजन रखा गया है कि जब बैंक आइडेंटिफाई करेगा किसी भी एंटरप्रेन्योर को तो उस एंटरप्रेन्योर की पूरी मदद भी करेगा वो। और साथ में बैंकर्स को ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जब भी आप स्टैंड अप इंडिया पे लोन देंगे तो उनसे ब्याज की दर सबसे कम लेंगे, जो भी आपके बैंक का बेस रेट है उस पे उनको देंगे। साथ ही जो आपकी रीपेमेंट है वो 5 से 7 साल की होगी। एक इसमें विशेष बात ये भी की गई है कि आपका जो लोन वापसी का पैटर्न होगा उसको जो हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी मॉनिटर करेंगी जिससे कि आपको क्रेडिट रेटिंग दी जा सके। उसका एक एडवांटेज ये होगा कि जब आप पहली बार स्टैंड अप इंडिया योजना से लोन ले लेंगे और उसकी अच्छी तरीके से वापसी कर देंगे तो आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे तो आपको दोबारा कभी लोन लेने में तो किसी भी बैंकर से किसी भी बैंकर के पास आप जाएंगे तो उनका आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सब कुछ पहले से निर्धारित है तो इस वजह से जो अब हमारे जो लोग दलित भाई हैं या हम जो वुमेन है वो एंटरप्रेन्योर अगर बनना चाहती हैं तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी अच्छे तरीके से उनके सामने है। मुनमुन जी आपसे जानना चाहेंगे कि जब लोग आप लोगों के पास अप्रोच करते हैं, बिकॉज बींग अ चैम्बर आप लोगों का काम है सब लोगों को बताना कि ये स्कीम है, ये आप लोगों को लाभ मिलेंगे, लोग आते हैं आपके पास अप्रोच कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल लोग आते हैं अप्रोच करते हैं, लेकिन अगर अभी अप्रोच नहीं भी कर रहे हैं ये हमारी ड्यूटी बनती है इसको हम लोगों तक लेके जाएं। और आप सबसे भी कहना चाहेंगे हम लोग कि वाकई ये सच बात है कि हम सभी लोगों को दिल से खुशी मिलती है किसी की सेवा करके, और ख़ास तौर पे जब वो सेवा किसी गरीब की हो या एक ऐसे वर्ग की हो जिसे हमें अभी मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आना है। तो अपनी तरफ से आप कहीं कभी कोई कमी मत छोड़िए, और ख़ास तौर पर ऑल दोज बैंक ऑफिशियल्स हु आर वॉचिंग अस, आपके लिए एक ज़रूर हमारी तरफ से सलाह है। वी आर टेकिंग अ ब्रेक, ब्रेक के बाद जवाब देंगे उन सवालों के जो आपने हम तक पहुंचाए हैं। क्या नाम है बेटे आपका? गोयल। बेटे मैं आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ, ये लो। मेरी मम्मी ने मना किया है किसी से कुछ नहीं लेना। बेटी के मासूम बचपन पर किसी की बुरी नजर ना पड़ने दें। आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। स्वागत है आपका एक बार फिर, और अब वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का। तो पहले सवाल लेते हैं ईमेल के। पहला सवाल हमारे पास ये आया है चंडीगढ़ से, वृहंत जी हैं। आप जानना चाहते हैं कि क्या IEC कोड को ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक बात है वृहंत जी, मैं बताना चाहूँगा कि IEC कोड को ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ। अच्छा। जिसकी वेबसाइट है DGFT.gov.in। सत्यम जी बिहार से हैं और आप पूछते हैं क्या आप अपनी बेटी के नाम से कंपनी बना सकते हैं? सत्यम जी आप अपनी बेटी के नाम से कंपनी जरूर बना सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको MCA के पोर्टल पे जाके देख लेना चाहिए कि उस नाम से कोई और कंपनी एग्जिस्ट तो नहीं करती। साथ में आपको अपनी बेटी के नाम के बाद कोई और एक शब्द लगाना पड़ेगा जो आप एक्टिविटी करना चाहते हैं, जो आपकी इंडस्ट्री है,
बस ये दो बातों का ध्यान रखना है और आप बेटी के नाम से बिल्कुल बना सकते हैं। और अब सवाल वो जो ऑडियो के माध्यम से हमारे पास आए हैं। मैं प्रवीण पांडे बोल रहा हूँ, मैं मुंबई में रह रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं पेपर गुड्स में डील करता हूँ, क्या मुद्रा मेरी हेल्प कर सकती है? थैंक यू। मुद्रा बिल्कुल इनकी हेल्प कर सकती है, बल्कि मुद्रा योजना इन्हीं लोगों के लिए बनी हुई है। हेलो, मैं शिखा बोल रही हूँ दिल्ली से। मैंने अभी एक आईटीआर फाइल किया था, वो गलत चला गया, तो क्या मैं रिवाइज भेज सकती हूँ? रिवाइज किया जा सकता है, उसमें एक ही शर्त है, आपने ओरिजिनल आईटीआर टाइम पे फाइल की हो। अगर ओरिजिनल आईटीआर टाइम पे फाइल की है तो आप उसे बिल्कुल रिवाइज कर सकते हैं। जी मुनमुन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम स्टैंडअप इंडिया की इन स्कीम्स की बात करते हैं जिसका लाभ हमारे सभी जो ऐसी भाई हैं या महिलाएं हैं वो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है जिससे उन्हें इसका बेनिफिट मिल सके? सबसे इजीएस्ट तरीका जो आपने पूछा वो है standupmitra.in को आप पोर्टल को खोलिए। मात्र 8 सवाल हैं जिसके थ्रू आप अपने एप्लीकेशन तक पहुँच सकती हैं। आप क्या करना चाहती हैं, आपका कंपनी का नाम या आपकी कोई क्वेरीज हो या कोई क्वेश्चंस हो, आप सब तरीके के उसमें आंसर्स ले सकती हैं इंस्टेंटली। अगर आप अप्लाई भी करती हैं तो उसमें अगर आप 10-15 लाख का अगर आप लोन लेती हैं तो उसमें विद इन 2 वीक्स में आपको रिप्लाई मिलेगा जी। अगर उससे ज़्यादा का 25 लाख तक का लोन लेती हैं तो फिर वो 3 वीक में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आप 25 लाख से ऊपर का लोन के लिए आप अप्लाई करती हैं तो आपको विद इन 6 वीक्स में आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। इन केस अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलता है तो वहाँ पे ग्रीवेंस सेल है, उस पर आप अपने बारे में लिखिए आपके साथ जो हुआ है, उसका आपको तुरंत से तुरंत रिप्लाई मिलेगा। मतलब रिप्लाई मिलेगा सर? बिल्कुल मिलेगा। जी अब वो वक्त आ गया है जब हमारे सभी दर्शक आपके बिजनेस मंत्र के इंतजार में है। प्लीज मैं आज के लिए कहना चाहूंगा, हाई एक्सपेक्टेशन एंड पॉजिटिव एफर्ट इज की टू सक्सेस। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो हमारी तरक्की को कोई भी नहीं रोक सकता। और मुनमुन जी, अब हम लोग आ गए हैं उस खास सेगमेंट में जो कि है शिल्पा भावना स्पेशल। हालांकि हमेशा ये एक रैपिड फायर रहता है, हम अपने गेस्ट से कुछ सवाल पूछते हैं और आपको हम समय बिल्कुल नहीं देते और आपको बहुत जल्दी जल्दी उसके जवाब देने होते हैं। हालांकि समय हम आपको आज भी नहीं देने वाले, लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि आज हम लोग करेंगे एक स्वॉट एनालिसिस, क्योंकि आप समाज के एक ऐसे सेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, चाहे हम एससी भाइयों की बात करें या हम महिलाओं की बात करें, जिन्हें समाज की मुख्य धारा से अभी जोड़ने की ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे लिए पहचानें कि उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट क्या है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस का पहला एस, स्ट्रेंथ। आपको क्या लगता है जो हमारे ये सेक्शन है उसकी क्या स्ट्रेंथ है? मेहनत। वीकनेस? नौकरी। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कौन सी है उनके सामने? स्टैंड अप इंडिया। और थ्रेट? नहीं, अभी कोई थ्रेट मुझे नहीं लगता और है आफ्टर द स्टैंड अप इंडिया, अगर हम इसका सही से उपयोग करें अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जी, तो इसका मतलब हमारे सामने चुनौती कोई नहीं है, अवसर ही अवसर है और वो स्टैंड अप इंडिया के थ्रू है। सो थैंक यू सो मच मुनमुन जी, आपने बहुत अच्छे से गेम खेला और मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। दोस्तों, जाने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऊपर वाले से कभी ये दुआ मत कीजिए कि हमारे कामयाबी के रास्ते को आसान बनाए, बल्कि ये दुआ कीजिए कि हमें और बेहतर बनाए, ताकि हम कामयाबी तक पहुँचने वाले हर रास्ते को खुद आसान बना सकें। और जिस दिन हम उस बेहतरी को पा लेंगे, उस दिन कोई भी चुनौती हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। तो बस अच्छे से और बेहतर बनने का प्रयास करते रहिए। और शिल्पा भावना को आज के लिए इजाजत दीजिए, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। बिग बिजनेस आइडियाज़।